गाइस वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड एक पूरा लेक्चर ऑन जो चीज जो हमको 11th में पढ़ना था. सो और टाइम वेस्ट हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग को बढ़ना पड़ेगा अगले टॉपिक पे. एंड क्या है वो अगला टॉपिक? एक्चुअली द अगला टॉपिक टू बी वेरी ऑनेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, बट नाम बहुत खतरूड़ है, वेपर प्रेशर. ओके, बट ये वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? एंड ये वेपर प्रेशर अगर आ रहा है तो कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द जेनेसिस, व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ दिस वेपर प्रेशर? द एवोल्यूशन, द जेनेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स यू एंड मी बोथ नो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज एवेपोरेशन. नाउ सिंस यू आर नॉट 5 year olds, you already know what evaporation is, but let's go over the basics of evaporation. Now tell me, evaporation तो तुमने देखा ही है, right? So evaporation कहाँ पे होता है? बताओ मुझे. कहीं पे भी होता है, पानी कहीं पे भी evaporate होता है. घर पे लादी पोंछ दिया तो अपने आप सूखता है ना, कि नीचे वाले फ्लोर से आग लगाया जाता है, अपने आप सूखता है मेरे दोस्त. मतलब पानी जो है it has a tendency to evaporate. And whenever there is a tendency to evaporate, such liquids are called volatile liquids. Now this is very important. You already heard the word. सुना तो होगा, नाम तो सुना होगा. Volatile का मतलब आपको पता होगा. Volatile is something which evaporates or turns into vapors. Okay. Now, when we are speaking about evaporation, what does it depend on? Evaporation की बात करो. चलो बताओ मेरे को. जब हम लोग लादी पोंछते हैं तो हम आई नो हमारी मम्मियां या मेड्स जब लादी पोंछते हैं तो व्हाट हैपेंस इज जो लादी पे पानी रहता है वो सूख जाता है मेरे दोस्त, लेकिन जो बाल्टी में पानी रहता है वो नहीं सूखता है. नाउ व्हाट इज द मेन एसेंशियल डिफरेंस? पानी तो ये भी है, पानी तो वो भी है, सूखा कैसे? सूखा बस एक रीजन से, एंड दैट मेन रीजन वॉज अ सर्फेस एरिया. ओके, so the main reason of evaporation is surface area. One of the main reasons, it is dependent on surface area. More the surface area, more the evaporation. आप पानी को जितना फैलाओगे उतना सूखेगा, डोसे को जितना फैलाओगे उतना क्रिस्प होगा डोसा. ये सुनो, सोचो क्या बोल रहा था, साउथ इंडियन बाहर निकला है मेरा इसमें. सो ये जो इवेपोरेशन है, नाउ दिस इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सर्फेस एरिया. क्लियर है? क्या और कोई चीज है जिसपे सरफेस एरिया डिपेंड करेगा? सॉरी, इवेपोरेशन डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा. तेरे को भी पता है इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन टेम्परेचर. द मोर द टेम्परेचर द मोर दिस इवेपोरेशन, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, ओके, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी और इवेपोरेशन होगा. सो it also depends on one more thing that is called as temperature. Acha, does it depend on anything else? Of course it does depend on something else, that is humidity. अरे बारिश में कपड़े नहीं सूखते ना, सबको इस चीज का दर्द पता है. कपड़े क्यों नहीं सूखते? क्योंकि humidity ज्यादा है. Already हवा में इतना पानी आ चुका है कि और पानी जाने के लिए जगह नहीं है. So specifically in the area that we live, coastal areas, Mumbai में और coastal areas में, ये तो सबका ही problem है, right? क्यों problem होता है? क्योंकि humidity यहाँ पे ज़्यादा है. तो it also depends on humidity, okay? Now I want to ask you the question that I guess you are asking yourselves, कि भैया होता क्यों है? Evaporation होता ही क्यों है? Why do volatile liquids evaporate? Or why do liquids evaporate? Okay, the fundamental reason is intermolecular forces. भाई देखो, जब भी हम लोग physical chemistry की बात करते हैं तो ये जो forces है they always play a role. Now what are the intermolecular forces? Pay attention. When I speak about the intermolecular forces, I am speaking about these molecules which are connected to each other. Let's say there is a molecule over here. Okay. Now this molecule will be connected to another molecule, another molecule, another molecule, another molecule. Meaning, it will be connected or it will be attached to different molecules in different sites. So bonding, है ना? तो bonding की वजह से क्या होएगा?
पार्टिकल्स पास में रहेगा। मेरे को बता इवेपोरेशन जो होता है वो कहां पे होता है? इवेपोरेशन कहां पे होता है? इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इवेपोरेशन ओनली हैपेंस ऑन द सरफेस, इट नेवर हैपेंस never happens in the bulk molecules, always happens on the surface. Now why does it happen on the surface? क्योंकि यार यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे जो मॉलिक्यूल है जो सरफेस के ऊपर है उसको नीचे वाला मॉलिक्यूल खींच रहा है, शायद बहुत सारे मॉलिक्यूल्स खींच रहा है, लेकिन ऊपर के साइड में कोई नहीं खींच रहा। तो भाई अगर उसको कोई नहीं खींच रहा तो वो तो निकला ना, क्योंकि उसके पास यहां पे ज्यादा अट्रैक्शन है और यहां पे कम अट्रैक्शन है। सेकेंडली इट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। भाई पार्टिकल ये भी हिल रहा है, पार्टिकल वो भी हिल रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कम है तो ये पार्टिकल क्या होएगा, निकल जाएगा, एंड जब निकल जाएगा तो इट टर्न्स इनटू वेपर्स। नाउ देयर इज अ पार्ट वेयर इवेपोरेशन हम लोग अंदर से देखते हैं। अंदर से कब देखते हैं पता है क्या? जब हम लोग गैस पे कुछ भी जलाते हैं, सॉरी जलाते नहीं है, मैं थोड़ी खाना बना रहा हूं, जब मम्मियां खाना बनाती है या पानी उबालने रखते हैं या फिर दूध उबालने रखते हैं, तो हमने देखा है कि हमेशा नीचे से ऐसा बबल जैसा ब्लो होने लगता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज फ्रॉम इनसाइड। बट नेचुरली अगर मैं देखूं तो ऐसा कभी नहीं होता कि अंदर से कोई चीज गर्म हो रहा है। सो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेम्परेचर सॉरी द इवेपोरेशन ऑलवेज हैपेंस ऑन द सर्फेस। So, what kind of phenomena it is? Okay, now, the molecules on the surface are called, of course, surface molecules. Obvious. But what are the molecules in the center? These are called bulk molecules. Okay, so, two types of phenomena. Ek hota hai bulk phenomena, which is experienced by all molecules. And the other one is a surface phenomena. Okay, so, evaporation, my dear friends, is a surface phenomena. Okay. And when it happens from the inside, we can also call it as boiling. Okay, जब अंदर से वो उबलने लगेगा, that can be considered as boiling. So evaporation always happens on the surface. Sir, आप ये जो बोल रहे हो intermolecular forces होता है, इसका कोई proof है? Of course, तू पूछ तो सही दोस्त, proof तेरे आँखों के सामने होगा। कभी अगर पानी के बूंद को देखा है surface पे, हमेशा इट फॉर्म्स अ सेमी सर्कल। नाउ व्हाई डज इट फॉर्म अ सेमी सर्कल एंड व्हाई डज इट नॉट फॉर्म समथिंग लाइक दिस? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। और जब अट्रैक्ट करेगा, देख अट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, पास में आएगा। जब पास में आएगा तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स क्या होंगे, सेमी सर्कल हो जाएगा। समझा क्या? ये फैला हुआ था, पार्टिकल्स ने खींचा, अंदर आया। सो अगर आप स्लो मो में, आज का असाइनमेंट फोटोग्राफी के साथ साथ साइंस, अब स्लो मो में अगर पानी के बूंद को कोई सरफेस पे गिरते हुए देखोगे, सो यू विल सी दैट द वॉटर स्प्रेड्स एंड देन कम्स टुगेदर। इंस्टा पे डालने लायक होगा। ओके, सो करके देखिए, ट्राई कीजिए, आई होप यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। सो दैट इज इवेपोरेशन। बट माय कंसर्न इज आई डोंट वांट टू लर्न इवेपोरेशन, आई वांट टू लर्न वेपर प्रेशर। ओके, नाउ वेपर प्रेशर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या है? Okay, firstly, let's understand the definition. The definition is the pressure of vapor molecules on the surface of the liquid. अरे यार मेरे को ये बता कि अगर evaporation होता रहता है, जिंदगी भर अगर evaporation होता रहता है, तो यार सारा पानी क्यों नहीं सूखता है? अगर मैं एक सिंपल सा बॉटल ले लूं एंड इस बॉटल को मैं चार दिन तक रखूं, तो तुमको क्या लगता है, क्या हर एक बूंद पानी का सूख जाएगा? नो, इनफैक्ट मुझे गारंटी है कि इसमें से थोड़ा ही पानी कम होगा एंड द रेस्ट ऑफ द वॉटर विल नॉट इवन गो डाउन। क्यों? क्या है ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि जब हम लोग ओपन कंटेनर की बात करते हैं तो इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, ओपन कंटेनर में इवेपोरेशन जो है ना, इट कॉन्स्टेंटली हैपेंस एंड कंटिन्यूसली हैपेंस। ओके, इट ओनली मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कंटिन्यूसली हैपेंस। ओके, इट कंटिन्यूज एंड इवेपोरेशन होता रहेगा, पानी सूखता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओशंस,
अगर सालों साल अगर हमने बारिश की क्लाउड्स को हटा दिया, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बट हटा दिया, सो एक टाइम आएगा कि सारा पानी ऑफ द ओशंस विल इवेपोरेट. इफ देर वॉज नो एटमोस्फियर, इफ देर वॉज नॉट अ लॉट ऑफ ग्रेविटी, क्या होता, पानी जो इवेपोरेट होता वो निकल जाता, और अगर निकल गया तो बारिश होती ही नहीं, तो ये इवेपोरेशन होके पानी क्या हो जाता, खत्म. सो ओपन कंटेनर में इट विल बी कंटिन्यूस. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू नो, व्हाट हैपेंस अबाउट अ क्लोज कंटेनर. तो मेरा पहला सवाल, डू यू एक्चुअली थिंक दैट इन अ क्लोज कंटेनर द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस? डू यू थिंक इन अ क्लोज कंटेनर द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस? नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर, राइट? क्योंकि इट डज टेक प्लेस. हमने देखा है हमेशा जब बॉटल दो तीन दिन ऐसे ही अपने बैग में, मम्मी ने कभी तो बैग में बॉटल डाल दिया, हमने उसमें से आधा पानी पिया और छोड़ दिया, तीन चार दिन तक हमको भी नहीं पता रहता कि बैग में वो बॉटल है. जब हम लोग उसको ओपन करते हैं तो हमको दिखता है कि उसके जो साइड्स है, द वॉल्स ऑफ द बॉटल, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्डेंसेशन हैपनिंग, राइट? सो ऑफकोर्स अगर कॉन्डेंसेशन हो रहा है तो उसके पहले क्या हुआ रहेगा, इवेपोरेशन हुआ रहेगा. सो पानी जब अगर क्लोज कंटेनर में, सो लेट मी टेक द सेम एग्जांपल, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू क्लोज द कंटेनर. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज इफ देयर आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, दीज सरफेस मॉलिक्यूल्स विल हैव हायर एनर्जी. भाई देख, मॉलिक्यूल में क्या है, देख अगर टेम्परेचर है जीरो से एक भी ज्यादा है, हम तो भाई 300 केल्विन पे है, तो अगर जीरो से एक भी ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी होगा. पार्टिकल्स हिलेंगे, जब पार्टिकल्स हिलेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स हिलते 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 निकलेंगे ना, तो जब पार्टिकल्स निकलेंगे इवेपोरेट होंगे तो ये कहां जाएंगे, आई विल से दे विल गो इन द एयर. अब जब हवा में गए तो एक टाइम आएगा इवेपोरेशन और होते जाएगा, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डोंट यू थिंक द वॉटर मॉलिक्यूल्स, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वॉटर, द वॉटर मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज. अगर हम लोग को जनरलाइज करना है, लेट्स से दिस इज लिक्विड ए, सो इट विल हैव ऑल ए पार्टिकल्स इन इट, यस और नो? नाउ व्हेन दे इवेपोरेट दे विल बी नथिंग बट ए गैशियस पार्टिकल्स. जब ये ए गैशियस पार्टिकल्स एयर में भर जाएंगे, एट सम पॉइंट दे विल स्टॉप द इवेपोरेशन. नाउ व्हेन दे डू सो, व्हाई दे डू सो, बिकॉज व्हेन दे विल क्रिएट वेपर, that vapor will create a pressure on the surface of the liquid. पहले वो था ही नहीं, ये evaporate होके surface के ऊपर से molecules निकल गए, हवा में आ गए. अब क्या हुआ, पानी evaporate होने लगा, होके क्या हो गया, यहां पे जमा हुआ. पहले था क्या, नहीं था liquid. भाई ये समझो, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई 18 ml पानी, दैट इज 18 ग्राम पानी, दैट इज 1 mole पानी, 18 ml पानी ना इतना सा होता है, इतना सा, और वही 18 ml गैशियस फॉर्म में 22.4 liter होता है. अब ये तो आप बोल नहीं सकते कि आपको पता नहीं था. सो अगर ये इतना सा लिक्विड अगर बहुत सारा गैस बन रहा है तो जगह ही नहीं है ना, तो ऑफकोर्स प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा. और ये प्रेशर किसका था, वेपर का था, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर. अगर यही चीज ओपन कंटेनर में होती तो डू यू थिंक क्या होता, क्या होता, ये पार्टिकल्स यहां से इवेपोरेट तो होते बट निकल जाते. तो अगर निकल जाते तो एयर का प्रेशर शायद बढ़ता, लेकिन देयर वुडंट बी एनी वेपर प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. सो हम जब भी वेपर प्रेशर की बात करेंगे, will only do so in a closed container. Now, like vapor pressure, अगर evaporation surface area पे dependent है, तो vapor pressure should also be dependent on surface area. Think about it. Should be or should it not be? Let's assume कि मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिया. Let's say ये एक पतला सा test tube ले लिया मैंने. Okay? Now I have taken the same amount of water and I have closed it. Okay? Now, what will happen is, यहां पे भी सरफेस है, ओके? अगर तू देखेगा यहां पे सरफेस बड़ा था तो प्रेशर भी बढ़ गया. भाई अगर मैं प्रेशर यहां पे एक उंगली से दू तो इसको प्रेशर ज्यादा लगेगा, बट ये ऐसे दू तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा,
वैसे यहां पे भी प्रेशर क्या हो गया, बट गया, बट यहां पे प्रेशर बटा नहीं। सो अगर साइज छोटा है तो इवेपोरेशन कम होगा, हां, बट साइज छोटा होने की वजह से वेपर प्रेशर जो एरिया पे प्रेशर डालेगा वो भी तो कम होगा, बिकॉज सरफेस एरिया इज लेस, इवेपोरेशन इज लेस, सरफेस एरिया इज मोर, इवेपोरेशन इज मोर, सरफेस एरिया लेस, वेपर इज लेस, सरफेस एरिया इज मोर, वेपर इज मोर, बट द प्रेशर रिमेन्स द सेम। सो यहां पे इवेपोरेशन डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया, बट हियर इट डज नॉट डिपेंड। On the size or shape of container. But what do you think? Does it depend? Does it depend on the type of particle? Let's say यहां पर मैंने लिया था H2O, okay? और यहां पर मैंने लिया था दारू, क्योंकि पानी के साथ तो मेरे दिमाग में दारू आ जाता है। तो अगर दारू लिया है और यहां पे पानी लिया है, यहां पे इथाइल अल्कोहल है, यहां पे वाटर है, तो क्या सूखेगा जल्दी? टेल मी विच वन ऑफ देम विल हैव अ हायर वेपर मॉलिक्यूल, सॉरी वेपर प्रेशर। पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा या इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? इट ऑल कम्स डाउन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। भाई अगर यहां पे अगर आपको याद है H2O के बारे में अगर मैं बात करूं, तो H2O में देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ हाँ पता है मुझे, इथाइल अल्कोहल में भी है, दारू में भी बॉन्डिंग है, ऑफ कोर्स बॉन्डिंग है, आपको तो पता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H विल अट्रैक्ट अनदर H, इथाइल अल्कोहल विल अटैच टू अनदर इथाइल अल्कोहल, बट हियर H2O में एक मॉलिक्यूल चार चार वाटर मॉलिक्यूल को चिपकता था, तो मतलब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी मोर, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर विल बी लेस। नहीं है, नहीं बोला लेस। सो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम है। तो अगर इवेपोरेशन ही कम है तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O या VP of H2O will be less than the vapor pressure of ethyl alcohol. समझ गए? So it does not, it may not depend on size or shape of molecule, but it does depend on the nature of substance. Okay? So vapor pressure does depend on the nature of substance. Got it? So two things we've learned about vapor pressure. It does not depend on the surface area, but it depends on the nature of substance. Of course, humidity के topic पे हम लोग ने already बात की कि जैसे अगर मान लो पानी सूखता गया तो humidity बढ़ती गई, vapor pressure क्या होगा? At some point highest होगा, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। तो it depends on humidity, but it is not a very important topic. Temperature, however, must be something important. So let's learn what happens to evaporation with the help of temperature. So my dear friends, I can say evaporation usually can be said to be directly proportional to temperature. Jaise hi temperature badhte jayega, evaporation badhte jayega. Kyun? Kyunki it's a open container. Open container mein kya hoga? Jaise jaise ocean ke temperature badhega bhai, sukhega pani. तू रोकेगा? नहीं रोक सकता है। इवेपोरेशन होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इवेपोरेशन होता जाएगा। बट जब हम लोग क्लोज्ड कंटेनर की बात करते हैं, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन इन अ क्लोज्ड कंटेनर, तो व्हाट हैपेंस? इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? लेट्स सी, लेट्स थिंक। अब व्हेन आई टोल्ड यू दिस, इट मेड सेंस टू यू ना कि हाँ इवेपोरेशन तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते जब इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा भाई। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 से ज्यादा हुआ तो पानी तो सूख गया ना, और कहां से होगा इवेपोरेशन? समझ रहे हो? तो देयर इज ऑलवेज अ लिमिट।
तो क्या मैं इवेपोरेशन और टेम्परेचर को कोई फॉर्मूला में डाल सकता हूं? डायरेक्टली नहीं. सो इवेपोरेशन मे नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर इसको डबल करो इवेपोरेशन डबल होगा, बट एक टाइम आएगा कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि इवेपोरेशन का स्कोप ही नहीं बचा क्योंकि लिक्विड ही नहीं बचा. सो ऐसे टाइम पे मैं ये नहीं बोल सकता कि इवेपोरेशन बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा. हाँ, यहां पे भी ऐसा होगा कि इवेपोरेशन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, बट देर विल ऑलवेज बी लिमिट्स. द लिमिट्स विल बी सेट बाय द लिक्विड इटसेल्फ. ये मैं बोल सकता हूं कि हाँ, अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं, इवेपोरेशन अगर बढ़ेगा, आई से इवेपोरेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, बट आई कैंट से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, नाउ टेम्परेचर अगर मैं देखू तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा देर विल बी अ ग्राफ, बट दिस विल नॉट बी अ प्रॉपर एक्सपोनेंशियल ग्राफ, देर विल बी अ लिमिट टू दिस ग्राफ. ओके, सो दैट इज वाई आई कैन से वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. यस, यहां पे इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज. सा बाद में हमने पढ़ा डज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस. आई विल से इट डज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बट आई कैन नॉट से कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंड इफ एनीबडी सेज दिस, डोंट बिलीव देम. इट इज ट्रू टू अ सेंस, टू अ पॉइंट इट इज ट्रू. जैसे बचपन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था 20 तक, 2.8.8.2, वो थोड़े लेवल तक ठीक था, लेकिन उसके आगे उसका सेंस नहीं बनता था. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वेपर प्रेशर है, इट डज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और शेप ऑफ द पार्टिकल. नाउ ऑफ द कंटेनर, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू लर्न? अब ये वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा? How do we understand? And what is the name of the chapter, by the way? The name of the chapter is solutions. So when we speak about solutions, we need to understand the concept of solutions and vapor pressure coming together. And that we are going to do in the next video. Till then, you just have to understand vapor pressure kya hai. Vapor pressure is the pressure on the surface of the liquid. Thank you so much.